हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए हमारे चैनल को और बगल में आने वाले बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि हमारी सारी वीडियो सबसे पहले आप तक। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबों के लिए सोयाबीन चिली की रेसिपी लेके आई हूँ और इसमें जिन जिन इंग्रेडिएंट की जरूरत है चलिए उसे पहले देख लेते हैं। उसके लिए 100 ग्राम सोयाबीन लेंगे। ये सोयाबीन को मैंने 15 मिनट पानी में डाल के रखा था, उसके बाद इसका पूरा पानी निकाल लेना है और वो इस तरह से हमें लेना है। ये पूरा सॉफ्ट हो गई है, पानी निकला हुआ है पूरा। और फिर ये कैप्सिकम लेना है, शिमला मिर्च, ये मैदा है, मैदा लेंगे 3-4 चम्मच मैदा का जरूरत पड़ेगा, थोड़ी सी हींग की जरूरत पड़ेगी इसमें, ये कॉर्नफ्लोर, ये दही, ये सोया सॉस, ये टमाटो सॉस और ये रेड चिली सॉस, ये लहसुन और अदरक का पेस्ट, मैंने यहाँ अदरक यूज नहीं किया, आप लहसुन अदरक दोनों यूज कर सकते हैं, और ये ब्लैक पेपर को मैंने चूर लिया, काला मिर्च को मैंने चूर लिया है, तो ये इस तरह से हल्का क्रश करके लेना है इसे, पूरी तरह से ये नहीं, अगर हल्का क्रश करेंगे तो ज्यादा टेस्ट आएगा, तो हल्का क्रश करना है। लाल मिर्च पाउडर लेना है, 3-4-5 मिर्चा को आपको लेना है, उसे आपको अच्छा तरह कट कर लेना है। गाजर लेना है चॉप किया हुआ, और ये प्याज भी उसी तरह से हल्का कट कर लेना है, हल्की हल्की मोटी, ज्यादा मोटा नहीं लेना, ज्यादा पतला भी नहीं लेना है। और यहाँ पे तेल लेना है, तेल हमें एक फ्राई करने के लिए लेना है और थोड़ा इसका सोयाबीन चिली बनाने के लिए लेंगे। और ये नींबू का रस, 2 चम्मच काफ़ी है, 2 चम्मच नींबू रस लेंगे। टमाटर लेंगे, 2 टमाटर मैंने यहाँ लिया हुआ है, और ये थोड़ी सी हल्दी, और ये मसाला, सब्जी मसाला कोई भी, ये नमक और थोड़ी सी चीनी। और इतनी सारी चीज़ों से आप घर में ही अच्छी सोयाबीन चिली बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। और बनाने से पहले आप सबों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी सारी वीडियो जो भी मैं यूनिक बनाने वाली हूँ तो वो सबसे पहले आपके तक पहुँच सके। और चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ये सोयाबीन जो रखा था मैंने, पूरा पानी निकला हुआ इसका, इसे लेना है। अब इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लेंगे हम, ये 3 चम्मच दही लेंगे, ये मैदा 3 चम्मच लेंगे, अब ये जो मैंने लिया हुआ है ये ब्लैक पेपर, इसमें हल्का सा, इसमें हल्का डालिएगा, ज़्यादा नहीं, और ये लाल मिर्च, जितना आपको तीता पसंद है उस हिसाब से ले लीजिए। अब इसमें हल्का नमक लेंगे, थोड़ी सब्जी, थोड़े मसाला लेंगे और हल्का सा हल्दी लेंगे, अच्छी तरह इसमें मिला लेंगे। ये देखिए अब इसे मैंने मिला लिया अच्छे से। अब इसमें हल्का 1 चम्मच के बराबर नींबू डाल दीजिए, नींबू की जगह आप विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं, और आप इसे अच्छे से मिला लें। और अब हम, ये देखिए यहाँ तेल गरम किए हुए हैं, और उसमें आप इस तरह से सब डालिए थोड़ा थोड़ा करके। देखिए इस तरह मैंने डाल दिया सारा। अब इसे हमें अच्छा से पकाना है इसे, ताकि ये पूरी तरह से पक जाए, और थोड़ा फ्लेम थोड़ा इसका हाई रखना है, तभी ये जल्दी जल्दी ये क्रंची बनेगी। ये देखिए ये हो गई है, अब इसे हम सब निकाल लेंगे। अब कढ़ाई में थोड़ा सा तेल ले लेंगे, कम से कम 3-4 चम्मच ले लेते हैं। तेल में थोड़ा सा हींग डालेंगे, 1 चुटकी। अब उसमें हरी मिर्च जो लिए थे वो डाल दे रहे हैं। ये लहसुन अदरक का पेस्ट ले लीजिएगा। प्याज ले ले रहे हैं, इसे अच्छी तरह से
सारे को अच्छे से मिला लीजिए। अब ये कैप्सिकम डाल देंगे, थोड़ी सी हल्दी, ये मसाला सब्जी मसाला, नमक, ये टमाटर डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर, ये ब्लैक पेपर, काला जो ब्लैक पेपर होता है, काली मिर्च जिसे कहते हैं वो आप डाल दीजिए। अब इसे अच्छी तरह से मिलाते हैं। अब ये जो मैंने कैरेट लिया हुआ है ये इसे भी डाल देना है। अब इसे अच्छी तरह से आप मिलाइए। रेड चिली सॉस ले लेंगे, जितना आपको पसंद है, मतलब आप जितना पसंद करेंगे। वैसे तो 2 चम्मच काफी है, लेकिन मैंने यहाँ 3 चम्मच लिया है थोड़ा टेस्ट ज्यादा के लिए। और हल्का टमाटो सॉस लीजिए, इसके बाद सोया सॉस देंगे और अब इसे हम अच्छी तरह मिला ले रहे हैं। डाल लीजिए और उसमें थोड़ा रेड चिली सॉस डालिए थोड़ा सा, और उसमें हल्का पानी दे दीजिए कम से कम 2-3 चम्मच डाल दीजिए पानी, और इसे अच्छे से पेस्ट बनाइए। आप इस तरह से बनाएंगे तो ये काफी ज्यादा टेस्टी होती है। अब इसका सारा बॉल्स को इस तरह से पेस्ट बना लीजिए। अब इसमें ये सब्जी में जो आपने बनाया है सोया चिली, उसमें आप कम से कम 4-5 चम्मच डाल दीजिए, जितना आप गाढ़ा चाहिए आपको, और फिर उसे इस तरह से मिलाइए और इसमें हल्का पानी डाल दीजिए। तो इससे क्या होगी, इसमें अच्छा ग्रेवी तैयार हो जाएगी इसकी। देखिए ये कितनी अच्छी ग्रेवी तैयार हुई है। अब हम इसमें जो सोया क्रंच मैंने तैयार किया था अभी थोड़ा देर पहले, ये वाला, ये इसे आप पूरा डाल दीजिए इसे, और आप इसे अच्छे से मिलाइए। और इसमें थोड़ा सा और पानी डाल दीजिए, कम से कम 1/2 ग्लास, जितना आपको ग्रेवी चाहिए उतना डाल दीजिए, और इस तरह से मिलाइए। और इसे आप 5 मिनट के लिए या 3 मिनट के लिए इसे आप ढक के छोड़ दीजिए। देखिए ये अब हम इसे देख लेते हैं, 3 मिनट हो गई है। अब देखिए ये कितनी अच्छी ग्रेवी तैयार हुई है। अब ये सोयाबीन चिली बहुत ही अच्छी पकी है, इसे आप जरूर ट्राई कीजिएगा, ये काफ़ी टेस्टी होती है। और इसमें ये ऑलमोस्ट रेडी है, थोड़ा सा इसमें आप लास्ट में चीनी डाल दीजिए, एक चुटकी अपना हाथ से, एक में चीनी थोड़ा सा डाल दीजिए 1/2 चम्मच के बराबर कम से कम, और उसके बाद इसे आप हल्का मिलाते हुए, अब हम इसे सर्व करेंगे, इसे प्लेट में निकालते हैं। इसे मैंने प्लेट में निकाल लिया है। अब ये सोयाबीन चिली की रेसिपी पूरी तरह से रेडी है, और अब आप इसे ट्राई कीजिए। आई होप आपको ये बहुत पसंद आने वाली है, और ये काफ़ी टेस्टी होती है, ये मेरी तो फेवरेट है।
आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।